गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने अपनी बुक निकाली? देखे तो आप लोग की बुक है। बुक का क्या नाम है आप लोग की? ये आपका हिंदी का बुक है, स्वर रचना। क्या है हमारे बुक का नाम? स्वर रचना। निकाल लिया आप लोगों ने? चलिए आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 12। क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर 12। और इसमें क्या दिया है देखिए, आपके पाठ का नाम क्या है? दिन निकला। क्या है? दिन निकला। इसमें कौन सी मात्रा लगी है? छोटा ई की मात्रा। कौन सी मात्रा लगी है इसमें? छोटा ई की लगी है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं। दा में छोटा ई का मात्रा, दिन, दिन निकला, निकला। क्या आया? दिन निकला। खिल गया कमल। देखे खा में भी छोटा ई का मात्रा है, तो क्या बन गया ये? खिल। खिल गया कमल। दिन निकला, खिल गया कमल। सरिता अब पिकनिक पर चल। सरिता अब पिकनिक पर चल। निशा चल गिटार बजा। क्या कह रहा है? निशा चल गिटार बजा। विमला दिन भर गाना गा। विमला दिन भर गाना गा। अब देखिए ये हमारा अभ्यास प्रश्न है। क्या कह रहा है? क, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए, है ना। इसमें देखिए अधूरा है, इसे हमें पूरा करना है। तो ये किसका पिक्चर है, किसका चित्र है बताइए? तो हिरण का। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऐसे डॉट किया हुआ है, र और न। तो क्या आएगा इसमें? हमें छोटा ई का मात्रा ही। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? हिरण। क्या बन गया? हिरण। अब देखिए दूसरे में क्या दिया है, किसका पिक्चर है, कौन बना हुआ है? तो में छोटा ई का मात्रा की, सा में आंख मात्रा सा। खाली स्थान में क्या आएगा? न का नल। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? किसान। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन है ये? ऋषि, ऋषि। और यहाँ री दिया हुआ है, तो क्या आएगा? स में बड़ा ई का मात्रा, स में सॉरी छोटा ई का मात्रा सी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ऋषि। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर ख, रंगीन वर्णों पर ई की मात्रा, मतलब हमें क्या करना है? छोटा ई की मात्रा लगा करके शब्द बनाने हैं। क्या बनाने हैं? छोटा ई की मात्रा लगा करके शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये तो प्रश्न क का था, अब हम ख पढ़ेंगे, है ना। ख में ऐसे ख नंबर है ना, ख में क्या दिया, देखिए क्या लिखा है? स र, है ना। अब स में क्या मात्रा लगाएंगे? छोटा ई का। तो क्या बन गया ये हमारा? सिर। क्या बन गया? सिर। अब दूसरा देखिए द ल। अब द में छोटा ई का मात्रा लगाया, तो क्या बन गया ये? दिल। क्या बन गया? दिल। फिर है र व, है ना। तो र में व में छोटा ई का मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन गया ये हमारा? रवि। रवि किसे कहते हैं? सूरज को। किसे कहते हैं? सूरज को। अब देखिए यहाँ पर दिया है त क या, तो छोटा ई का मात्रा किस में लगाएंगे? क में। तो क्या बन जाएगा ये? तकिया। क्या बन गया? तकिया। अब देखिए उसके बाद है क र न, तो क्या बन जाएगा ये? किरण। फिर है स र ता, तो छोटा ई का मात्रा किस में जाएगा बच्चों? री में। तो ये क्या बन जाएगा? सरिता। ठीक है, ये भी हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर ग दिया है, ई की मात्रा से छह शब्द लिखिए। हमें नए शब्द बनाने हैं ख नंबर ग में। ठीक है, क्या बनाएंगे?
लिए देखो हम लोग छोटा ई की मात्रा लगा करके हमें शब्द बनाने हैं, छोटा ई की मात्रा, ठीक है। तो क्या बनाएंगे चलिए बताइए, द में छोटा ई का मात्रा दीन, दीन है। फिर दूसरी लाइन में बनाएंगे न में छोटा ई का मात्रा नी, क, ला में आंख मात्रा ला, निक ला। और तीसरी लाइन में हमें छोटा ई का मात्रा ही ल, हिल। अब आइए नीचे लाइन, हमें छोटा ई का मात्रा पी, क, ना में छोटा ई का मात्रा नी, क, क्या हो गया पिक, निक। अब देखिए ना में छोटा ई का मात्रा नी, शा में आ का मात्रा शा, क्या बना हमारा नी शा। फिर है हमारा ग में छोटा ई का मात्रा गी, ट में आ का मात्रा टा, र, गी टार, बन गया। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, हो गया ना। आप लोग को भी ऐसे ही इसे पूरा करना है अपनी बुक में भी और कॉपी में भी, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारा पार्ट छह, बड़ा ई की मात्रा वाले शब्द, इसे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे कॉपी में करेंगे और घर पर रहकर पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।